हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 7 ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला है मैच द कॉलम। ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, कॉलम बी है। ए का आंसर बी में दे रखा है और मैच करना कि कौन किसका आंसर होगा। तो मैच करने के लिए हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। सॉल्व करने के बाद देख लेंगे इसमें कौन से इसका आंसर मैच कर रहा है। तो सॉल्व करने के लिए ऑप्शन ए में देखो जरा, इन दोनों ट्रायंगल की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। 6 सेंटीमीटर 6 के बराबर, 7 सेंटीमीटर 7 के बराबर, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बराबर। अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइडें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। साइड आई फिर साइड आई और फिर साइड आई, यानी एस एस रूल से दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल के एल एम बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में ट्राई करते हैं। इसमें वो लगा है जो हमारा एम एन है इक्वल है बी सी के, ये चार है चार है, ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री दूसरा एंगल हुआ, तीसरा ये 6 सेंटीमीटर है ये 6 सेंटीमीटर है। तो ट्रायंगल एन एम एल कॉन्ग्रुएंट होगा सी बी ए के बाय, देखो दो साइडों के बीच का एंगल इक्वल है, ये साइड इसके बराबर ये साइड इसके बराबर, बीच का एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, इस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीसरे ऑप्शन में 90 डिग्री आ रहा है दोनों में, इसमें भी 90 डिग्री है इसमें भी 90 डिग्री है, एक रीजन मिल गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसकी हाइपोटेन्यूज बराबर इसकी हाइपोटेन्यूज की। और तीसरा रीज़न चाहिए होता मुझे कोई एक साइड, चाहे तो ये वाली साइड बराबर हो चाहे ये वाली साइड बराबर हो, तो उन्होंने ये वाली साइड बराबर कर रखी है। ठीक, तो राइट एंगल का आर आया हाइपोटेन्यूज का एच और एस का आया साइड, तो ये आर एच एस रूल से दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस। इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का फोर्थ पार्ट। पहले देखो जो एंगल वाई है बराबर है एंगल बी के, एंगल इक्वल हुआ, वाई जेड बराबर हुआ बी सी के, साइड इक्वल हुई, एंगल जेड बराबर हुआ एंगल सी के। तो दो एंगल के बीच की एक साइड इक्वल है तो रूल लगेगा एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, करने के बाद में आप मैचअप देख लो इनके, कौन किसके साथ मैचअप कर रहा है। जो मेरा पहला आंसर आया था वो आया था एस 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 ए एस, इसमें आ रहा ऑप्शन बी में तो बी के साथ मैच होगा। इसमें आया एस ए एस एस ए एस में आ रहा है ये ऑप्शन ए तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें आया आर एच एस तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें आया ए एस ए ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे कंप्लीट। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 में फिर दोबारा से वही मैचअप है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैचअप करना हमें। ठीक, तो मैचअप के लिए हमें कुछ फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंट का साइन है। देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो ऐसी फिगर जो हो बहू बिल्कुल एक जैसी ही होगी, जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी जो उनकी मेजरमेंट डायमेंशन है वो एक जैसी ही होंगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है अगर ये 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर एक्स था कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था, लेकिन ये था कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये 10 है तो ये कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये मेरे पहले का आंसर हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर दो सर्कल बोले गए हैं और बीच में कॉन्ग्रुएंट का साइन है। अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी रेडियस भी सेम होती है। अगर इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक, फिर हमारे इसका तीसरा पार्ट आता है, बोला कि दो मेरे स्क्वायर हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइडें भी क्या होंगी, सेम होंगी। अगर ये 11 सेंटीमीटर है तो ये भी 11 सेंटीमीटर होंगी, चारों साइडें सेम होंगी। 11 11 11 इसकी भी चारों सेम होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर 4 में बोला दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। इसमें देखो सिंगल डॉट सिंगल डॉट सिंगल डॉट लगी, जिसका मतलब ये है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें डबल 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 लगी हुई है और कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये जो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है सेम टू सेम यही ट्रायंगल दे रखा है हमें, इसकी तीनों सेम है, ये पाँच है ये पाँच है ये पाँच है, तो इसकी भी सेम वही साइड होंगी, पाँच पाँच और पाँच। फिर हमारा दे रखा अगला रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल है जो कि कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो डायमेंशन सेम होती है, ये चार है तो ये चार सेंटीमीटर होती है, क्योंकि दोनों आमने सामने की साइडें इक्वल होती हैं, तो ये चार है तो ये भी कितनी होगी, चार। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। अब ऑप्शन मैच कर लेते कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच करता है, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक 10 सेंटीमीटर मेरा आंसर मैच होता है सी के साथ, तो ये मैच करेगा सी के साथ। सेकंड में 2 सेंटीमीटर आया, 2 सेंटीमीटर मेरा आ रहा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए के साथ मैच करेगा। 11 सेंटीमीटर, 11 आ रहा मेरा ऑप्शन ई के अंदर, तो ये मेरा हो जाएगा 11 ई, और इसमें आ रहा 5 आ रहा मेरा ऑप्शन बी में, तो मैच हो जाएगा बी के साथ। फिर 4 आ रहा मेरा ऑप्शन डी में, तो डी में मैच हो जाएगा, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।